नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 में। टेंसेस के पार्ट्स में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका यह पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 का मतलब हो गया कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिसमें कब, कहाँ, कौन ऐसे आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, आज हम इसी का आपको अध्ययन कराएंगे। यह आपका पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल से आपको मिलेगा बिल्कुल ऐसी वीडियो जो चैप्टर वाइज होगी, यानी कि जो टेंस की शुरुआत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से किया था उसको पढ़ाते पढ़ाते आज हम आपको लेकर आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो बने रहे और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ऐसा सीक्वेंस वीडियो जो अगर जिसका अध्ययन आप कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है हिंदी से अंग्रेजी, ये चीज आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हर एक सेंटेंस का आपको रूल के माध्यम से, जैसे आप मैथ में रूल लगाते हैं उसी तरह से आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर फंडामेंटल यहाँ पर हमने दिए हुए है जिसको अगर फॉलो करते हैं तो आप कैसा भी सेंटेंस होगा हिंदी से उसको अंग्रेजी में आप आसानी से क्या कर जाएंगे, बना जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, कुछ ऐसे हमने सेंटेंस रखे हैं यहाँ पर जिसको अगर आप बना लेते हैं या बनाना सीख जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको आप आसानी से हल कर जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीकों से हमने बनाया हुआ है और आपको हम सिखा रहे हैं। वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। देखो, यह आपका चैप्टर वाइज होगा। हमने बताया कि कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक ले। ठीक है, बीच में कोई कटिंग नहीं मिलेगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप क्रम से वीडियो को आप देख सकते हैं। यह आपका पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 का मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए उसका रूल है। ये रूल क्या है, डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जो डब्ल्यूएस से बनते हैं। ठीक है, जैसे कब, कहां, कौन, कैसे, तो उसको हम कहते हैं डब्ल्यूएस फैमिली। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे हेड। ठीक, एक ही साइक्रियस में हेड रहेगा, सबके साथ लगेगा, चाहे एक बचन हो चाहे वो बहुवचन हो। इसके बाद देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट बताते हैं इसको नॉट दिया, अगर नॉट रहेगा तो है लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक, इसके बाद बीन सब में लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ देंगे हम, आई एन जी। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो सब में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दो प्रीपोजिशन दिया है, सिंस और फार। सिंस फार का हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर वहां पर जाते हैं तो 4-5 पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसका अध्ययन कर लेते हैं। कोई भी आएगा निश्चित अनिश्चित समय तो उसको आसानी से हल कर जाएंगे। यह फार है सिंस। सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, फार का मतलब होता है अनिश्चित समय, यानी कि जब हमें समझेंगे कि हमारा समय जो दिया है वो निश्चित समय दिया है तो सिंस का प्रयोग करेंगे और जो अनिश्चित समय रहेगा उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद समय हो जाएगा, जो टाइम दिया रहेगा उसको लिख देंगे, बाकी जो रहेगा आपका अदर वाक्य जिसको कहते हैं शेष वाक्य लिख करके अंत में लगा देंगे हम क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए पहला ट्रांसलेशन बनाते हैं आपको। देखो, पहला है हिंदी ट्रांसलेशन। देखो, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था। टेंस की पहचान करिए, सबसे पहले वाक्य की पहचान आप करेंगे और वाक्य की पहचान की जाती है उसके अंतिम शब्दों से। ठीक है, तो इस वजह रहा था रही थी, तो रहा था रही थी कि 2 टेंस आता है, एक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर देखो, 2 घंटे से जब किसी भी वाक्य में लगातार समय का प्रयोग किया जाए, ठीक है, और अंत में आ जाए रहा था रही थी रहे थे आ जाए तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यह बात हम जो पार्ट 1 पढ़ा रहे थे उसी समय हमने बता दिया है, अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था, तो इसमें देख रहे हैं क्या या क्या, तो ये हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि डब्ल्यूएस फैमिली से जो सदस्य से जो सेंटेंस बनते हैं वो आपका आ गया क्या। अब क्या के लिए क्या करेंगे, हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही क्या जब शुरू में रहता है तो हमने बताया है पार्ट 3 में कि जब किसी विवाह की शुरुआत क्या से होती है तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वही क्या जब बीच में आ जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका पार्ट 4 में आ जाएगा, तो इसलिए इसके साथ हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या बनाएगा, देखो इसमें दिया है डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस क्या दिया है क्या, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाट, क्या के लिए क्या हो जाएगी वाट। इसके बाद क्या लगाओगे आप, हेड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या दिया है, वह, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। नॉट नहीं लगाएंगे, बीन सबका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब क्या इसमें दिया है, पढ़ना, पढ़ना का हो जाएगा रीड, रीड में जोड़ देंगे क्या, आई एन जी, रीडिंग हो गया। वाट हैड ही बीन रीडिंग,
अब इसमें अभी कुछ नहीं दिया है, सेंस पार का प्रयोग करना, ठीक है। हम समय देखेंगे, समय क्या दिया 2 घंटे से, तो जब किसी भी वाक्य में 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से ऐसा शब्द आता है, ऐसा वाक्य सॉरी ऐसा समय आता है, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, फार का। ये अनिश्चित समय होता है, इसलिए लगाएंगे यहाँ पर क्या, फार। और जो समय दिया है उस समय को लिख देंगे, हमने इसमें से एक लगा लिया, ठीक, क्या लग गया, फार। अब जो टाइम है टाइम को लिख दीजिए, 2 घंटों से है तो फार हो जाएगा 2 आवर। क्वेश्चन बन गया आपका सेंटेंस, व्हाट हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मीन्स वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था, ठीक है, समझ में आया। बहुत ही आसान है हमारा वीडियो, आप देखिए, आपको मैं वादा करता हूं आपको अंग्रेजी हिंदी से बनाना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, वहां से जो भी चीजें बताई गई है, जो भी रूल बताया गया है, उसको अगर फॉलो करते हैं तो कोई भी सेंटेंस कैसा भी रहेगा अंग्रेजी का, उसको विधिवत सिंपल ढंग से हमने बताया हुआ है, आप हल कर जाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कोई भी भाई बहन हमारा ऐसा ना हो जिसको अंग्रेजी ज्ञान न हो, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी ज्ञान इस समय बहुत ही जानना महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, वे 7 बजे से कहाँ पढ़ने जा रहे थे, इसकी भी पहचान आप करिए, रहा था, रही थे, आ गया। अब इसमें लगातार समय दे दिया है 7 बजे से, ये भी हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, देखो इसमें क्या दिया, डब्ल्यू एस मिल गया कहाँ, और कहाँ कहनी होती है वे, तो पहले हम इसी को लिखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू एस में क्या बन गया, कहाँ, कहाँ का हो जाएगा आपका वे। अब वेर के बाद क्या लगा देंगे, हैड, चूंकि ये कई सारी क्रिया है तो सबके साथ लगेगा, चाहे एक बच्चा हो चाहे वो बहुत, वेर हैड, इसके बाद जो सब्जेक्ट है लिख देंगे, वे का हो जाएगा दे, नापने नहीं लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या इसमें देखो, जाना, गो मने जाना, गो में जोड़ देंगे आईएनजी, ठीक, वेर हैड दे बीन गोइंग, ठीक है। अब इसमें देखो एक दूसरा वर्ब दे दिया है पढ़ने, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी वाक्य में एक साथ 2 मेन वर्ब आ जाए, मुख्य क्रिया जब 2 आ जाती है तो क्या किया जाता है, दोनों को 2 से जोड़ दिया जाता है, यानी जिसे कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, दोनों को क्या बना दिया जाता है, इन्फिनिटिव वर्ब बना दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ने का हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे और पढ़ने का हो जाएगा रीड, वेयर हैड दे बीन गोइंग टू रीड। अब दिया है सेंस पार, सेंस पार लगाना, देखो 7 बजे से, तो जब किसी भी वाक्य में 6 बजे से, 7 बजे से, 2 बजे से, 10 बजे से ऐसा आता है तो उसके लिए निश्चित समय मानते हैं और इसके साथ प्रयोग करते हैं किसका, सेंस का। ये चीज हमने बता चुका है, ये हो जाएगा आपका सिंस। अब जो समय दिया है 7 बजे से लिख दीजिए, सिंस 7 o'clock, बन गया, है ना बेहतर, बहुत ही आसान है अंग्रेजी सीखना, हिंदी से अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना होगा, जहां आपको मिलेगा बिल्कुल एक सिंपल सीक्वेंस में अंग्रेजी बनाना, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ये सभी टेंसों का हमने पिछले बता चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को खोलो, वहाँ टेंस मिलेगा, टेंस पढ़ो, वॉयस मिलेगा, वॉयस पढ़ो, नरेशन मिलेगा, नरेशन पढ़ो, ठीक है, स्पीकिंग मिलेगी, स्पीकिंग पढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे कदमों से चलिए, कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे लेकिन लगातार, ठीक है, तभी आपको मंजिल मिलेगी। आगे है, आपको कौन पिछले 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर भी देखो, रहा था, रही थी, रहते आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन इसमें दे दिया है पिछले 3 महीनों से लगातार समय का प्रयोग कर दिया है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया बनाएंगे आप हैड बीन, वही लगाएंगे, देखो डब्ल्यू एच कौन, कौन का क्या हो जाएगा, हु, ये हो गया आपका हु, सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, हु, अब कौन हो गया, देखो हु के बाद क्या लगा देंगे, हैड, हु हैड बी। अब इसमें जो है वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, टीच में जोड़ देंगे आईएनजी, हु हैड बीन टीचिंग। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश, और यहाँ पर देखो आपको, तो यहाँ पर दे दिया है आपको इंग्लिश, ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये आपको ये सब्जेक्ट है, नहीं, वो जब भी आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है, और ये जो आपका ये है ऑब्जेक्टिव केस है, तो
जब ऑब्जेक्टिव केस आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करते हैं, हमने बताया हुआ है कि क्रिया के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्टिव केस को लिख दिया जाता है। तो टीचिंग यू, इसके बाद हो जाएगा ये इंग्लिश, टीचिंग यू इंग्लिश, वो हेड में टीचिंग इंग्लिश। अब हमें लगाना है, देखो सिंस पार लगाना है, देखिए पिछले 3 महीने से। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी वाक्य में अगर समय के स्थान पर पिछले आ जाए तो पिछले की अंग्रेजी ऑटोमेटिक आप लगाएंगे सिंस लास्ट, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ पर हम पार लगाएंगे क्या लगाएंगे। पिछले को हम क्या मानते हैं, निश्चित मानते हैं, इसलिए पिछले की अंग्रेजी होती है सिंस लास्ट। तो पिछले की अंग्रेजी के लिए लिख देंगे सिंस लास्ट, ये हो गया आपका सिंस लास्ट हो गया। अब यह 3 महीने से होगा 3 months, ये बन गया आपका हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस लास्ट 3 months। ठीक, आपको कौन पिछले 3 महीनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। कैसा भी सेंटेंस हो, ग्रामर की किताब लीजिए, ठीक है, उसमें आप टेंस खोजो, ट्रांसलेशन बनाओ, ठीक, और इस मेथड का आप स्ट्रक्चर का आप क्या करो, फॉलो करो। एक एक फॉलो करते जाएंगे आपको अंग्रेजी आसानी से ग्रामर आ जाएगा, वो भी घर बैठे, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम आश्वस्त हो जाइए कि आपको अंग्रेजी बेहतर से बेहतर आपको मैं सिखा कर रहूंगा, ठीक है। आई प्रोमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। सभी लड़के सोमवार से क्यों नहीं यहाँ आ रहे थे, अब यहाँ पर देखो आ रहे थे, रहा था रही थी, कंटेंस टेंस हो गया। अब इसमें दे दिया देखो सोमवार से, लगातार समय हो गया सोमवार से, तो ये हो गया आपका पांच परफेक्ट कंटेंस टेंस। अब इसको बनाएंगे तो ये भी डबल नेगेटिव सेंटेंस है। देखो क्यों, क्यों क्या अंग्रेजी हो जाएगी, डब्ल्यू से बन जाएगा क्या, क्यों हो जाएगा वाई। अब क्या लगा देंगे है, इसके बाद सब क्या है, सभी लड़के, इसका हो जाएगा ऑल बॉयज। अब यहाँ पे देखो नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग सभी की बात कर देंगे, इसको इसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद हो जाएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना, कम, अब कम में जोड़ देंगे क्या आईएनजी, कमिंग हो गया। अब यहाँ का लिख देंगे हियर, ठीक। अब देखिए सोमवार से दिया है तो जब किसी भी वाक्य में सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई भी बार दिया हो तो उसको निश्चित मानते हैं, निश्चित के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लग जाएगा आपका सिंस, सिंस आज जो दिया है समय सोमवार से लिख देंगे सिंस मंडे। ये हो गया आपका आई हैड ऑलवेज नॉट बीन गोइंग हियर, सॉरी कमिंग हियर सिंस मंडे, मीन सभी लड़के सोमवार से यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट देखे, उसे कौन जनवरी से गणित पढ़ा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखो हमने कौन रख दिया दो बार, इसलिए कि समझ में आ जाए। देखो कौन आ गया तो कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये उसे के लिए मत समझिएगा, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कौन है, कौन ऐसा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे कह दे कि हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, तो हु के स्थान पर क्यों लिख दीजिए, श्री नरेंद्र मोदी, आप सबको उतार दीजिए, इज द पीएम ऑफ इंडिया, तो हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु के स्थान पर उस व्यक्ति का केवल नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो कौन का हो जाएगा हु, अब हु के साथ क्या लगाएंगे, एक ही सह क्रिया हैड, इसके बाद हो जाएगा बीन, हु हैड बीन, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाना का हो जाएगा टीच, टीच में जोड़ देंगे आप आईएनजी, हु हैड बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, अभी दिया है क्या गणित, सॉरी यहाँ पर देखो उसे, अभी हमने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा मैथ्स। अब जनवरी से तो जान जाइए, किसी भी वाक्य में जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से ऐसा आता है, इसको भी हम निश्चित मानते हैं और इसके लिए प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन किसका, सिंस का प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा आपका सिंस, अब जो समय दिया है लिख देंगे जनवरी, ये हो गया आपका हु हैज बीन टीचिंग हिम मैथ्स सिंस जनवरी, मींस उसे कौन जनवरी से गणित पढ़ा रहा था, ठीक है। आई होप
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, ये पांच ऐसे सेंटेंस हमने लिए थे, अगर इसका अध्ययन करते हैं तो आपको जो है पार्ट फोर यानी कि डबल एंड रिपीट सेंटेंस, पांच परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाना आपको आ जाएगा। इसके बाद मिलेंगे हम आपको पढ़ाएंगे अगला टेंस आ जाएगा आपका फ्यूचर। फ्यूचर में चार टेंस आपको आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बात और कहेंगे, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करिए और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे वीडियो निकलते हैं, अच्छे वीडियो मिलेंगे ग्रामर के, जिससे आपकी अंग्रेजी बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगी मक्खन की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक ले वीडियो को आप लोग देखा, आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया के 0.2।